नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। नोएडा NMRCT बस सेवा के ड्राइवर व परिचालक अपनी मार्च से सैलरी ना आने को लेकर पहुंचे बस अड्डा सेक्टर 90 नोएडा, जो कि कोरोना का कहर होने के कारण 22 मार्च को पूरे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कर दिया था, जिसको लेकर सभी के कामकाज बंद हो गए थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनलॉक की शुरुआत की तो आदेशानुसार किसी को काम से ना निकालने और सैलरी ना रोकने का वादा करते हुए सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों को सूचित किया था, जिसको लेकर नोएडा सिटी बस के ड्राइवर मार्च से अपने घरों में बैठकर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें ना ही तो गवर्नमेंट द्वारा सैलरी दी जा रही है और ना ही उन्हें काम पर रखा जा रहा है। और ड्राइवर घरों में रहकर अपने परिवार का कैसे पेट भरे, जिसको लेकर सभी लोग भूखमरी की कगार पर सिटी बस सेवा की बसें चलाई जा रही हैं और ना ही घर बैठे ड्राइवरों को नौकरी पर बुलाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार वह अपनी मांग रखते हुए सैलरी और नौकरी के लिए बराबर बस डिपो सेक्टर 90 के चक्कर काट रहे हैं, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और कोई भी उनको नौकरी पर आने के लिए समय निश्चित नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, NMRCC सिटी बस सेवा से बोल रहा हूँ जी। मैं सिटी बस सेवा का ड्राइवर हूँ और सारे ड्राइवरों की 7 महीने से सैलरी नहीं हुई है। GM साहब आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं और हमारे सारे ड्राइवर भाई मरी की तगार पर हैं और सारे भाई डिपो के अंदर बैठे हुए हैं। अब भी कोई हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा कि चलेंगी या बंद होंगी। देश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें आज के मुद्दा के साथ। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।